हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं JBL ब्लूटूथ ईयरबड का रिव्यू करने वाला हूं। आइए फटाफट देखते हैं क्या है इसके बॉक्स में। इसके बॉक्स में आपको मिलता है JBL का ये ब्लूटूथ ईयरबड। साथ में मिलता है आपको केबल चार्जिंग के लिए और एक यूजर मैनुअल। दैट्स इट। इस वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड को मैंने 27 जनवरी 2020 को ऑर्डर किया था और मैं तब से यूज कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। आइए मैं फटाफट इसके बेनिफिट्स आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला बेनिफिट है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मैंने इसे अराउंड 1600 का लिया था, तभी अमेजोन पे सेल चल रही थी और ये 1600 का मुझे मिल गया था। सेकंड बेनिफिट है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। बेस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आपको पता ही है JBL का है और JBL आपको पता ही है JBL के होम थिएटर्स और स्पीकर्स बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है उनकी, तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। सेटअप बहुत ईजी है, आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको ये जो बटन है इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। अब देख पा रहे हैं ये एलईडी ब्लिंक हो रही है। अब ये पेयरिंग मोड में है, यहां पर आ गया JBL T205BT, इस पर टैप करना है और ये कनेक्ट हो गया। लाइट इसकी स्टेबल हो गई है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सेटअप है। इस ब्लूटूथ ईयरबड में ब्लूटूथ वर्जन 4.0 है, जिससे आपको बढ़िया रेंज मिल जाता है, साथ में बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है आपको। इसके अंदर बिल्ट इन लिथियम आयन बैटरी है जो आपको अराउंड 6 आवर्स का प्लेबैक देती है और इसको चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 घंटा में ये फुल चार्ज हो जाता है। जब ये आप इसे चार्ज पे लगाएंगे तो ये जो लाइट अभी ब्लू जल रही है ये लाइट वाइट जलती है, और जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो इसकी लाइट जो वाइट लाइट होती है वो अपने आप ऑफ हो जाती है। एक और बेनिफिट है, जैसे मैंने इसे अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर रखा है तो आप इसका बैटरी लेवल देख पाएंगे। आप यहां पर देख पा रहे हैं कोने में इसका बैटरी लेवल दिख रहा है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। आपको पता चल जाता है कि आपकी इसकी बैटरी लाइफ कितनी है। ये इसे एंड्रॉयड के साथ पेयर करके देखते हैं। काफी पुराना सा मेरा एंड्रॉयड फोन है, मैं इसे इसके साथ पेयर करके देखता हूँ। ये रहा ब्लूटूथ का ऑप्शन, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इसे पेयरिंग मोड में ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये पेयरिंग मोड में है, ये मैंने टैप कर दिया। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, बट यहाँ पर इसकी बैटरी लाइफ शो नहीं हो रही। ठीक है, बैटरी लेवल का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा, बट मैंने इस ब्लूटूथ को अपने मेरे पास एक सैमसंग का गैलेक्सी S10 है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मैंने उसमें उसके साथ पेयर करके देखा है, तो उसमें बैटरी का परसेंटेज शो करता है, उसमें बैटरी लेवल दिखाता है, बट जैसे आईफोन में दिखाता है आप यहां से स्वाइप करके देख सकते हैं, वैसे उसमें शो नहीं होता है। एक एक नेगेटिव पॉइंट है जो मैंने लिख रखा है, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला था वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये जो ईयरबड है, जो ये ब्लूटूथ ईयरबड है या ईयरफोन है, वो एक साथ सिर्फ एक ही डिवाइस में कनेक्ट हो सकता है। अगर आप इसे आईफोन के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी अपने सैमसंग फोन के साथ पेयर कर रखा है, और इसके पहले ये मेरे आईफोन के साथ पेयर्ड था, तो आप देख पा रहे हैं ये अपने आप ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो गया। अब ये मेरे आप देख पा रहे हैं यहां पर नॉट कनेक्टेड लिखकर आ रहा है, मतलब ये जो ब्लूटूथ ईयरबड है वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो गया है। तो ये एक साथ एक ही डिवाइस में कनेक्ट होता है। लेकिन मेरे पास एक और ब्लूटूथ है, ये मेरे पास एक जाबरा का, ये जाबरा ब्लूटूथ है मेरे पास। इसमें आप एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये यूसी ईयरफोन है, तो
तो मैं इसे अपने लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर लेता हूँ, ये लैपटॉप का अडाप्टर है, और साथ में मैं इसे अपने आईफोन के साथ, अपने सैमसंग फोन के साथ ये कनेक्ट कर लेता हूँ, और ये एक साथ मल्टीपल डिवाइस पे कनेक्टेड रहता है। तो लेट्स से अगर मेरे सैमसंग फोन पे कॉल आती है तो मैं डायरेक्टली इससे बात कर सकता हूँ, और अगर मेरे आईफोन पे कॉल आती है तो मैं इससे पिक कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल डिवाइस पे कनेक्ट हो जाता है, बट ये जो है सिर्फ एक ही डिवाइस पे कनेक्ट होता है। तो अगर आप कॉस्ट कॉस्ट वाइज देखें तो ये बहुत एक्सपेंसिव है और ये बहुत सस्ता है, बट इसके साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम अगर ये सिर्फ एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। एक और अच्छी बात है कि आप जब इस ब्लूटूथ को इस आईफोन के साथ पेयर करते हैं तो आप सीरी फंक्शनैलिटी को भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं, बस आपको इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है और फिर आप हे सीरी बोलकर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कॉल एंड म्यूजिक, आप इसके साथ गाने सुन सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल के लिए वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और इससे इस बटन के साथ आप म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। इस स्विच की हेल्प से अगर लेट्स से आपके फोन पे कोई कॉल आती है तो आप कॉल भी यहां से आंसर कर सकते हैं, और इसको दोबारा प्रेस करके आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल की वॉल्यूम भी आप यहां से हाई एंड इस यहां नीचे बटन प्रेस करके आप वॉल्यूम हाई एंड लो कर सकते हैं। इसके अंदर 12.5 mm का डायनामिक ड्राइवर है जिससे आपको बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल जाती है और बहुत ही बढ़िया बेस आउटपुट आता है इससे। इसकी जो केबल है बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, स्मॉल केबल है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये उलझता नहीं है, जो इसका एक एडिशनल बेनिफिट है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरे पास मेरे सैमसंग S10 का ईयरफोन है, अगर थोड़ा सा भी ये कुछ हो जाता है तो ये बिल्कुल, ये देख पा रहे हैं अब ये उलझ गया। तो ऐसी दिक्कत आपको इस ब्लूटूथ वाले ईयरफोन के साथ आपको ये दिक्कत नहीं आती, ये बहुत ही बढ़िया है। एक और बेनिफिट है वो ये है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये मेरे आईफोन का है, और जो ईयर पीस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू आईफोन है, जैसा मेरे आईफोन का है वैसा ही ऑलमोस्ट इसका जो बिल्ट है वो ऑलमोस्ट सेम एज माय आईफोन का ईयरफोन जैसा है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा फिट हो जाता है, चुभता नहीं है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये आपको आपके कान के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो कान में दर्द भी होता है और आपको पता नहीं चलता बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम से कान के अंदर ये फिट हो जाता है। तो आई वुड प्रेफर ये ब्लूटूथ, ये बहुत ही बढ़िया है, हैंड्स फ्री है। इसके साथ आपको एक साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल जाती है, अगर कभी दिक्कत आती है तो वारंटी के लिए आप मैन्युफैक्चरर के फोन नंबर, एक टोल फ्री नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां फोन करके आप वारंटी ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप इसे खरीदिए, आप यूज करिए। मैं इसे जनवरी से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मैं अपनी आईफोन के साथ इसे पेयर करके और मैं इसे यूज़ करता हूँ। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें ब्लूटूथ 4.0 है जिससे आपको बहुत ही बढ़िया रेंज मिल जाता है। मैं इसे कई बार क्या होता है, मेरे फ़ोन की बैटरी लो होती है तो मैं फ़ोन को चार्ज में लगा देता हूँ और मैं आराम से घूम घूम कर बात कर सकता हूँ, तो वो एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। और कॉस्ट वाइज तो मैंने आपको बता ही दिया, मैंने जब भी अमेजोन पे सेल चल रही थी मैंने तब परचेज किया था, तो ये मुझे अराउंड 1600 का मिला था। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो शूट करने के पहले मैंने एक बार चेक किया था अमेजोन पे, तभी कोई लाइटनिंग डील चल रही थी तो ये 1499 का मिल रहा था। तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल है, आप इसे खरीद सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। अगर आप एप्पल का जो ईयरबड आता है वो बहुत ही कॉस्टली आता है, 14,000-15,000 रुपए का आता है, नो डाउट उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, रेंज तो बहुत ही ज़्यादा है, बट आप अगर प्राइस कंपेयर कर रहे हैं तो ये 1500 रुपए का, 1500 या 1600 रुपए का, वो कहाँ 14-15,000 रुपए का, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और जो प्राइस का डिफरेंस है, क्वालिटी वाइज आई वुड से ये बहुत ही बढ़िया है। तो जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप इसे बिल्कुल खरीदिए, आप इसे यूज़ करिए, आईफोन के साथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़िया चलता है। So that's it for now. Thank you for watching.